क्या आप भी ये सोचते हैं कि फोटो मैनिपुलेशन के लिए आइडियाज़ कहाँ से लाएं, क्या बनाएं? तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उमर और इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा कि फ़ोटो मैनिपुलेशन के लिए आइडियाज़ कैसे और कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ फ्री स्टॉक फ़ोटोज़ की वेबसाइट्स देखी थी। आप उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें और उसको एक्सप्लोर करें। होम पेज पर मौजूद स्टॉक फ़ोटोज़ को देखें और सोचें कि आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनसे क्या नया बना सकते हैं। आपको जल्द ही कोई ना कोई तस्वीर देखकर कोई अच्छा सा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने मेरी ये फ़ोटो मैनिपुलेशन तो देखी ही होगी, इसका आइडिया भी मुझे इसी तरह मिला था। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट पर पहले से बनी हुई मैनिपुलेशंस को विज़िट करें, या तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी या कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर मिल जाएगा। नंबर टू, आपको एनिमेटेड मूवीज़ देखनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादातर इमेजिनेशन पर क्रिएट की गई होती हैं और बहुत हिस्टोरिकल होती हैं। इसके अलावा उसमें फैंटेसी लुक भी काफ़ी अच्छी होती है और ब्राइट कलर्स की सिलेक्शन भी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। और नंबर वन, यानी जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो ये कि आप ख़ुद से कोई सिचुएशन इमेजिन करें और फिर उसको मैनिपुलेशन आर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। आज की बोनस टिप, जो सिचुएशन भी इमेजिन करें उसको फौरन स्केच कर लें, मोबाइल में, पीसी में या फिर कागज़ पर पेंसिल से बना के रख लें। ऐसा करने से आप सिचुएशन भूलेंगे नहीं और आपको स्टॉक फ़ोटो सर्च करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। आपसे मुलाकात होती है फ़ोटो मैनिपुलेशन के मुकम्मल कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए लर्न एक्सेस।